नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में, जिसकी सबसे ज्यादा आपको इंतजार था ईएमआरएस की वैकेंसी जो 38,000 मैंने आपको बताया था, और यह भी उस समय बताया था कि ये 38,000 जो वैकेंसी है वो शिफ्ट में आएगा, क्योंकि इसका जब बजट पास किया गया था तो सीतारमन जी ने बोला था कि ये जो ईएमआरएस विद्यालय हैं जो पहले किसी ना किसी अलग अलग टीचर से अपना काम चलाते थे, अब वो अपना रिक्रूटमेंट रूल निकाले और भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द स्टार्ट करे। तो उसी क्रम में सबसे पहली हमें जो भर्ती देखने को मिली है यहां पर वो जारी हो चुका है, इसका नोटिफिकेशन, और आज से ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो ये रहा मेरे पीछे ईएमआरएस की वेबसाइट, जब आप खोलेंगे तो यहां पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन पूरा दिया गया है कि कौन कौन से क्या है, वो सब डाउनलोड करके, इंग्लिश हिंदी में एडवर्टीजमेंट है। अप्लाई करना है प्रिंसिपल के लिए तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हो, पीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो यहां से कर सकते हो, और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप यहां से जैसे अप्लाई करोगे तो ये एनटीए की वेबसाइट खुलती है। तो इसका जो फॉर्म फिलिंग है, मतलब एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हो रहा है स्टूडेंट का, वो आपका एनटीए कंडक्ट करा रही है। बाकी जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर ऊपर है वो आपकी अलग संस्था जो है वो सेट कर रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो किन किन पदों पर भर्ती आई है उनको हम लोग जल्दी से एक बार देख लेते हैं, ओवरव्यू आपको बता देते हैं कि क्या है आपका। ये देखिए यहां पे फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया, 31 जुलाई लास्ट है आपका फॉर्म का। आपका फीस क्या है, प्रिंसिपल के लिए 2000, पीजीटी के लिए 1500 और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए 1000 आपका फीस है। और उसके बाद से बोल दें कि इसका जो भी कंटेंट मैंने कहा एनटीए का नहीं रहेगा, एनईएसटीएस जो आपकी ट्राइबल एक संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, यही आपका सब कुछ तैयार करेगी। डेटा स्टूडेंट का जो होगा वो सिर्फ एनटीए के माध्यम से लिया जाएगा। तो ये भर्ती आप देख रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा पीडीएफ है, इसमें आपको बताया गया है कि कैसे आपका पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी, और ये जानना आपको जरूरी है कि ये जो आपका फॉर्म है ऑनलाइन आप फिल करोगे, लेकिन जो आपका एग्जाम होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा, मतलब पेन पेपर मोड होगा, ये ध्यान रखिएगा। पेन पेपर मोड में आपका पेपर होगा, ये ध्यान रखिए। इसमें आपका दिया गया जो क्वेश्चंस पेपर है चाहे जो भी चीजें हैं वो आपके एनईएसटीएस के द्वारा तैयार किया जाएगा। जो भी आपको इंफॉर्मेशन लेना है आप एनईएसटीएस की वेबसाइट से ले सकते हो। ये आपकी भर्ती है, आपके जो वैकेंसी आई है 4000 पोस्ट के लिए आई है, जिसमें से लैब अटेंडेंट 373 पोस्ट है, 759 पोस्ट आपका क्या है जेएसए है, जैसे बहुत अच्छी वैकेंसी है। उसके बाद अकाउंटेंटशिप बीकॉम वालों के लिए, एमकॉम वाले के लिए 361 है, और 2266 पोस्ट पीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और प्रिंसिपल के लिए भी अच्छा खासा 303 पद है। अभी टीजीटी आना बाकी है, वो भी कभी ना अभी हो सकता है, इसके बाद ही आएगा आपका टीजीटी का भी वैकेंसी। तो इसमें आपको पूरा डिटेल दिया गया है, चलिए इसको थोड़ा सा एक बार इसे मैं आपको बताता हूं। एक पीडीएफ थोड़ा सा हैंग कर गया है, दो मिनट रुक जाइए बस आप लोग। इसमें जो मेन मेन चीजें हैं आपको मैं दिखा दे रहा हूं बस, ठीक है। ये आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है आपका, बाकी सब चीजें वो, और सबसे बड़ी बात जो एक समस्या थी कि स्टेट वाइज ये वैकेंसी नहीं निकाली गई है, ये आप ऑल ओवर इंडिया आप भर देख देश मतलब भर सकते हो, इसमें कोई स्टेट प्रेफरेंस नहीं है। पिछली बार जो जब ये निकला था और पोस्टपोन्ड हुआ था उस समय साफ साफ लिखा था कि ये स्टेट वाइज, देखिए जैसे यहां पर बोला ना, यहां साफ साफ बोला इंडियन सिटीजन होना आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पिछली बार वाले में यहां पर एक शब्द लिखा गया, एक लाइन लिखा गया था डोमिसाइल वाला, कि वही अप्लाई कर सकता है जो उस स्टेट का डोमिसाइल जिसके पास होगा, वो लाइन अब यहां से हटा दी गई है, कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होगा वो 31 जुलाई 2023 तक काउंट होगा, यही कट ऑफ आपका डेट निर्धारित किया गया है। और जो आपका प्रिंसिपल है वो ओएमआर पेपर के बाद इनका क्या होगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, तो इनका पेपर और इंटरव्यू के बेसिस पर मेरिट आपका क्या होगा डिसाइड होगा, यही सब बोला गया है। बाकी आपका जो नॉन टीचिंग पोस्ट है अकाउंटेंट जैसे लेवल, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो मार्क ऑप्टेन रिटेन टेस्ट और स्किल टेस्ट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा।
ठीक है, आपको देख लीजिए। अगर यहां पर पेमेंट का तो मैंने आपको अलग से वीडियो बना ही दिया है कि सैलरी आपको क्या मिलेगी, बोल दिया। ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होगा, पेन पेपर मोड होगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल में आपका 40 मार्क का क्या है, इंटरव्यू भी है। आपका पेपर का जो पैटर्न है आपका कुछ इस प्रकार का है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, ये सब आपके वीडियो पड़े हुए हैं, पूरा डिटेल में हमने बताया है कि किसमें क्या सिलेबस पूछा जाएगा। एक वीडियो, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप लोग पूरे डिटेल में पैटर्न आप सबका देख लीजिएगा कि क्या पैटर्न है यहां पर, ठीक है। ऐसे ही आपका पीजीटी का दिया गया है, और टीजीटी का आपका ये जेएससी वाला है, अकाउंटेंट वाला के लिए क्या क्या चाहिए, तो अकाउंटेंट के लिए 40 क्वेश्चन सिर्फ सब्जेक्ट का चाहिए, बाकी 90 क्वेश्चन आपका जनरल चाहिए। और ये जेएससी है जिसमें आपका 20-20, 30-30-30 के लिए चाहिए, तो ये आपके इसमें टाइपिंग भी चाहिए। सेकेंड स्टेज इसकी टाइपिंग है जिसमें 50 नंबर का होगा और 20 नंबर लाना जरूरी है, लेकिन इसका मार्क्स आपका फाइनल सिलेक्शन में नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे लैब अटेंडेंट के लिए आपका क्या है, देखिए 60 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, बाकी आपका जनरल होगा। तो ये आपका पूरा डिटेलिंग में इसका सिलेबस क्या है, वो एक वीडियो आपको अभी बनाई गई है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जो आपकी समस्याएं थी कि सर ये अगर स्टेट वाइज आएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, कोई स्टेट वाइज नहीं है, जैसे केवीएस और एनवीएस आप अप्लाई करते थे वैसे ही है। अब एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम ये मान के चलिए कि 2 महीने बाद आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दीबाजी है। ईएमआरएस में विद्यालय में टीचर नहीं है, क्योंकि वो लोग अलग से टीचर को बुलाते थे पढ़ाने के लिए, और अब विद्यालय का सेशन स्टार्ट होने वाला है, आप सभी जान रहे हो गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, तो टीचर की जरूरत है, जाहिर सी बात है, और जो आपके नॉन टीचिंग पोस्ट स्टाफ है उनकी भी जरूरत है। तो एग्जाम बहुत ही जल्द होगा, मतलब 2 महीने के बाद ही आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। और जिन्हें भी तैयारी करना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। यहां पे आपको ईएमआरएस का जो आपका पीजीटी है उसमें जो जनरल सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, जो जनरल सब्जेक्ट है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, आपका जीएस वाला पार्ट हो गया, ये सब जनरल सब्जेक्ट के क्लासेस चल रही हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपका जेएससी हो गया, अकाउंटेंट हो गया, ठीक है, और लैब वाला हो गया, ये तीनों की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई हैं। आज से ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसमें आपको पूरा विधिवत आपको क्लासेस दिया जाएगा, लाइव क्लासेस रहेंगी, उसके बाद से वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगी, जब चाहें आप देख सकते हैं। इसके नोट्स भी आपको विधिवत दिए जाएंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। सिलेबस आपका बहुत अच्छा तैयार किया गया है, जो बहुत कम ही दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, जैसा हमने कहा कि ऑलमोस्ट हम लोग इस सिलेबस को जो आपका दिया गया है 1.5 महीने में कंप्लीट कर देंगे, बाकी के दिन आपका हम लोग आपका प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो जिन्हें भी तैयारी करनी है भाई, किसी 1-2 नंबर से आप चूक गए, किसी एग्जाम में आप सोच रहे हो कि काश मैं कहीं एक अच्छे प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी किया होता तो आज इस वैकेंसी में मैं जो है एक सीट पक्का कर लेता, तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, फिर से आपके उसी लेवल का उसी पेमेंट का एक जॉब और आ चुका है जो आपको जल्द ही जॉब दे देगा। तो उसके लिए आप लोग लग जाइए, टीम पूरी तरह से आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी कि कैसे आपको क्या करना है, हर एक आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका हम लोग वीडियो के माध्यम से जवाब देंगे। जो भी आपकी समस्याएं हैं आप बस कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि सर ये समस्या है, आपका पूरी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो कोई दिक्कत कोई समस्या है तो जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, छोटे भाई बहनों को, सबको वीडियो शेयर करिएगा और इसके बारे में बताइएगा कि अगर वो टीचिंग या नॉन टीचिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमसे जरूर जुड़िए। तो चलिए इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।